बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पार्ट टू का चैप्टर वन डिस्कस कर रहे हैं डाटा बेसिक्स का। इसके अंदर हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला एडवांटेज जो है डाटाबेस का वो है डाटा इंडिपेंडेंस। हमने पहले भी पढ़ा है कि डाटा इंडिपेंडेंस मींस कि डाटा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर सेपरेट, डाटा एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर सेपरेट। अब इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डाटा के सेपरेट होने का मतलब क्या है कि आप डाटा के अंदर चेंज करेंगे तो सॉफ्टवेयर को कोई मसला नहीं है या प्रोग्राम को कोई मसला नहीं है, और प्रोग्राम आप चेंज करेंगे तो डाटा का कोई मसला नहीं होगा। ये मतलब है डाटा इंडिविजुअल, यानी कि डाटा जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसके बाद सेकेंड वन इज रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी कि होता है ना कि देखिए हमने बात की थी कि डाटाबेस को बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के यूज करने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों के यूज करने का मतलब ये है कि आपकी डेटाबेस के अंदर डाटा जो है वो मल्टीपल टाइम एंटर हो सकता है। तो हमें कोई ऐसा मेथड भी तो बनाना है ना जिसके थ्रू हम उस डाटा को चेक कर सके, तो वो हमारे पास कौन सा है? रिडंडेंसी कंट्रोल, कि डुप्लीकेशन ना हो, एक ही दफा डाटा अपेयर हो डेटाबेस के अंदर और वही हर दफा जब जरूरत हो तो यूज हो। सेम डाटा यूज्ड ऑल प्लेसेस इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जहां जहां पे वो यूज रिक्वायर्ड है वहां वहां पे वो यूज हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी कंट्रोल। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? द रूल्स। रूल्स का क्या मतलब है? कि जिसके अंदर हम डाटा टाइप्स डिफाइन कर देते हैं कि इस टाइप के मुताबिक डाटा इंटर हो सकता है, इसके अलावा डाटा इंटर नहीं हो सकता। ये हमने पहले भी बात की हुई है डेटाबेस के अंदर, कि ये चेक करता है कि क्या आने वाली इनपुट जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी कंसंट्रेट्स रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू एंटर डाटा। डाटा डज नॉट फुलफिल द कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है इंटर ही नहीं हो सकता डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स इजी वे फॉर अप्लाइंग डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंसंट्रेट दैट इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। उसके बाद सपोर्ट डेटा रिलेशनशिप्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वर्ड, COMPLEX, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स। डेटा के जो रिलेशंस है उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ द यूजर टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, इट एनेबल द यूजर टू लॉजिकली व्यू एंड एक्सेस डेटा इन डिफरेंट वेज। अब ये सारे के सारे हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ डेटा। जिसके बाद उसके बाद आता है हमारे पास डेटा सिक्योरिटी फीचर्स। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम डेटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर करने का मतलब क्या है? कि अब डेटाबेस के अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा डेटा होता है और उसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, किसी एक बंदे के लिए वो डेटा नहीं होता, लेकिन हम फिर लिमिटाइज कर देते हैं उसकी एक्सेस लोगों के लिए कि कौन उस डेटा को किस हद तक एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें काफी सिक्योरिटी फीचर्स भी देता है। डेटा सिक्योरिटी इज प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। DBMS provides several procedures to maintain data security. इसके अंदर जो सबसे important है वो है यूजर नेम एंड पासवर्ड मेथड, कि हम लोगों के डिफरेंट यूजर्स के उनको आईडीज दे देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं, और फिर यूजर्स को उसके वैल्यू के मुताबिक हम लिमिटाइज करते हैं कि कौन सिर्फ व्यू कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है, कौन नया डाटा फीड कर सकता है। उसके बाद डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का मतलब हमें पता है कि हम एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के अपने डाटा की सेव कर लेते हैं, और अगर हमारा ओरिजिनल डाटा किसी वजह से लॉस हो जाए उसका,
तो हम अपने उस बैकअप की हुई डाटा को रिकवर करके ओरिजिनल की जगह पे यूज कर लेते हैं। DBMS provides the facility for backup and recovery. Backup facility is used to store additional copy of data. The data can be recovered from this file if original file is lost or damaged. इसे हम कहते हैं ये recovery है। उसके बाद हमारे पास last one is advanced capabilities. तो database management system हमें advanced access capabilities देता है फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग। और ये एडवांस जो फैसिलिटीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड की जा सकती है इंटरनेट को यूज करके। तो ये हमारे पास थे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सिर्फ ये नहीं है कि डेटाबेस के प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जरूर होंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास आता है डिसएडवांटेज, That is high cost of DBMS, database management system. अब लाजमी सी बात है, database जो है ये कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई आसान सीधा सा सॉफ्टवेयर नहीं है। database management system overall एक बहुत बड़ा और complex सॉफ्टवेयर है। तो जब आप इसे purchase करेंगे तो ये अच्छा खासा expensive है। ये तो पहली बात हो गई कि ये सॉफ्टवेयर बजाते खुद expensive है। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स चाहिए वो भी अच्छे खासे कॉस्टली है। DBMS इज कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, हायर प्रोसेसिंग पावर, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पावरफुल हार्डवेयर चाहिए होता है जो कॉस्टली होता है, जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ रखना पड़ता है। अब टेक्निकल स्टाफ को भी हम कुछ ना कुछ सैलरीज देंगे। टेक्निकल स्टाफ सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू मैनेज डेटाबेस मैनेजमेंट। तो आप ऑर्गेनाइजेशन को उसे पे करनी पड़ती है गुड सैलरीज। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, अब आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करना तो अपना स्टाफ ट्रेन भी करवाना पड़ेगा, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग यूजर्स टू यूज इट प्रॉपरली। द यूजर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड सच एज प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन मे नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर स्टाफ ट्रेनिंग, जिसकी वजह से अब देखें ना कि इसकी कॉस्ट मुसलसल बढ़ती जा रही है सॉफ्टवेयर परचेज करने से लेके यहां तक। उसके बाद रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम अकर इफ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट इज सिलेक्टेड। डेटाबेस सिस्टम मे आल्सो नीड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन रिक्वायरमेंट्स। हर डेटाबेस हर जगह पे एग्जैक्टली काम नहीं कर सकती। द चेंज कैन बी कॉस्टली ड्यू टू कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, यानी कि जब आप कुछ नया करना चाह रहे हैं ना तो उसके अंदर जो आप चेंजिंग करवाएंगे तो लाजमी सी बात है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को हैंडल कर रहे होंगे वो आपसे उसकी कॉस्ट लेंगे। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी हमें चाहिए क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशंस होती हैं डाटा टाइप्स की, डाटा की। तो इसके लिए भी हमें क्या होता है, अच्छी खासी एक हैवी कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। तो हमने जितने भी इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं उन सब के अंदर एक ही चीज है कि इसकी कॉस्ट मुसलसल बढ़ रही है। बेशक इसके फायदे हैं, बहुत जगहों पे ये हमारे लिए कंपलसरी बन जाती है, लेकिन फिर साथ के साथ हमें कॉस्ट को भी देखना पड़ता है कि वो अच्छी खासी हैवी अमाउंट बन रही है। तो आज बेसिकली अगर हम देखें तो हमने दो ही बातें डिस्कस की हैं। पहली बात एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम एक दफा फिर क्विक सा एक रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक्स को। एडवांटेजेस के अंदर हमने पहली बात पढ़ी कि डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब सादा सा है कि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डाटा एक दूसरे से सेपरेट हैं। सेपरेट होने का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को मॉडिफाई करें तो डाटा पे कोई फर्क ना पड़े, और अगर डाटा के अंदर कोई चेंज करनी हो तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसके साथ इतराज ना हो। द यूजर कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर या यूजर कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम्स।
दोनों सूरतों में जो दूसरी चीज है उसे अफेक्ट नहीं हो रहा, यही वजह है कि इसे हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंस है। उसके बाद रिडंडेंसी कंट्रोल, रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन, कि डाटा डुप्लीकेट ना हो, एक ही एंट्री बार बार ना हो रही हो, बल्कि क्या हो, एक ही दफा डाटा इंटर हो या एक ही दफा अपेयर, अगर एक से ज्यादा दफा एंट्री होती है तो वो डुप्लीकेट को खुद ही उड़ा दे, एक ही दफा डाटा इंटर हो और फिर वही डाटा जहां पे भी जरूरत हो यूज किया जा सके। तो ये फैसिलिटी भी हमें कौन देता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि वो खुद ही डुप्लीकेट डाटा को उड़ा देता है और जो डाटा एक दफा इंटर हो गया उस डाटा को वो बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंसिस्टेंसी कंट्रोल, कंसिस्टेंसी कंसेंट्रेट। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो डाटा इंटर कर रहे हैं उस डाटा को डिफाइन करना, कौन सी डाटा टाइप है उसके रूल्स डिफाइन करना, कि ताकि जो आप डाटा इंटर कर रहे हैं क्या जिस किस्म का डाटाबेस बना रहे हैं वो डाटा उसी टाइप का है, कहीं आप गलत टाइप का डाटा तो इंटर नहीं कर रहे। तो ये सारे का सारा काम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चेक होता है। कंसिस्टेंसी कंसंट्रेंट्स ऐसे रूल्स होते हैं जो डाटा इंटर करते हुए डाटाबेस के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर कोई डाटा इन कंसंट्रेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा तो हम उसे इंटर नहीं करते, नहीं कर सकते, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास है कंप्लेक्स डेटा रिलेशंस। कंप्लेक्स डेटा रिलेशन का मतलब क्या है कि आप यूजर्स डिजाइन कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर जो कंप्लेक्स लेवल के होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है डेटा सिक्योरिटी। डेटाबेस का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये शेयर्ड होती है, बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो उनको चेक करना, चीजों को मैनेज करना, हर एक को इक्वल लेवल की एक्सेस ना देना, ये भी एक एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डाटा सिक्योरिटी इज प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। DBMS provides several procedures to maintain data security. Security is maintained by allowing access to database through use of username. हम IDs बना देते हैं, मसलन मैनेजर की एक अलग ID होगी, प्रोग्रामर की एक अलग ID होगी, एडमिनिस्ट्रेटर की एक अलग ID होगी, और हर लेवल पे डिफाइन होगा कि कौन सा ID क्या काम कर सकता है। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी की सर्विस भी हमें प्रोवाइड की जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जिसके मुताबिक हम अपने डाटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी तैयार करके अपने पास रख सकते हैं, और अगर किसी वजह से हमारा ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, वो जो डुप्लीकेट कॉपी बनाई हुई है उसको यूज कर सकते हैं ओरिजिनल फाइल की जगह के ऊपर, और ये एक प्लस पॉइंट है डेटाबेस जो हमें प्रोवाइड करता है DBMS। उसके बाद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज, हम ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग है, इस तरह की जो कैपेबिलिटीज है, एडवांस एक्सेस कैपेबिलिटीज है, वो यूज कर सकते हैं वाया इंटरनेट, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमें ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट का, क्योंकि बजाते खुद सॉफ्टवेयर जो है ये एक अच्छा खासा बड़ा और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, तो एक हैवी अमाउंट हमें परचेज करने के लिए देनी पड़ती है। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर के लिए जो सिस्टम लगाने होते हैं उसकी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज जो है वो अच्छी रखनी होती हैं, ताकि कंप्यूटर प्रॉपरली और एफिशिएंटली काम कर सके, तो उसके लिए भी आपको पता है कि हाई मेमोरी और हायर प्रोसेसिंग पावर के लिए भी ज्यादा कॉस्ट आपको अफोर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है इसको यूज करने के लिए, तो उनको भी आपको अच्छी खासी सैलरीज देनी पड़ती हैं। उसके बाद जो आपका स्टाफ होता है उसको आपको ट्रेन करवाना पड़ता है, ट्रेनिंग होती हैं, और लाजमी सी बात है जो ट्रेनी आएगा वो भी आपसे एक अच्छी खासी अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट आपसे लेके जाएगा। उसके बाद हमारे पास है रॉन्ग डेटाबेस एनवायरमेंट। अगर आपने डेटाबेस एनवायरनमेंट चेंज करना है तो आपको अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम के अंदर भी चेंजिंग करवानी पड़ेगी, और फिर अच्छा खासा एक कॉस्ट स्पेंड करना पड़ेगा इन चेंजिंग्स के लिए।
उसके बाद डाटा डिक्शनरी जरूरी होती है जिसके अंदर रूल्स डिफाइन होते हैं। तो डिक्शनरी एक बेशक यूजफुल टूल है लेकिन ये एक्सपेंसिव है। इस पे भी आपको यानी कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर परचेज करने से लेके एंड तक आप बस कॉस्ट ही बढ़ा रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट्स के साथ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी इसका है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, आपको इसे मैनेज करने में थोड़ा अमाउंट जो है वो एक्सपेंड करना पड़ता है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुल आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग की होगी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू बेटा।